देश में एनसीईआरटी की इतिहास की किताब में मुगलों का इतिहास इतिहास हो गया। इस बहस के बीच अब देहरादून से एक ऐसी खबर सामने आई जो चौंका देगी। मामला कुछ यूं है कि क्लास 2 में एक छात्र के माता पिता उस समय हैरान रह गए जब उनके बच्चे ने उन्हें अम्मी और अब्बू कहना शुरू कर दिया। पिता ने आरोप लगाया कि उनका बेटा स्कूल की किताब में एक चैप्टर में इन शब्दों को पढ़ने के बाद उन्हें मम्मी पापा के बदले अम्मी और अब्बू कहने लगा है। जब मासूम ने पहली बार अब्बू अम्मी कहा तो परिजन काफी परेशान हो गए कि आखिर बच्चे ने मम्मी पापा की जगह अम्मी अब्बू बोलना कहां से सीख लिया। परिजनों ने जब बच्चे की किताब देखी तो उन्हें समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल सात साल का एक हिंदू बच्चा ICSE बोर्ड से संबंधित देहरादून के एक निजी स्कूल में पढ़ता है। वहाँ कक्षा 2 का छात्र है। स्कूल में अंग्रेजी की किताब गुलमोहर चलती है। किताब के एक चैप्टर पे फादर का अर्थ अब्बू और मदर का अर्थ अम्मी लिखा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा भी अपने परिजनों को अम्मी अब्बू कहकर पुकारने लगा। इसके बाद परिजनों ने किताब को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए DM से शिकायत करते हुए किताब पर बैन लगाने की मांग कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किताब ओरिएंट ब्लैक स्वाइन पब्लिशर हाउस हैदराबाद की है। इस मामले पर स्कूल की प्रिंसिपल निशा शर्मा का कहना है कि ये किताब पिछले 2 साल से उनके स्कूल में चल रही है। पहली बार किसी बच्चे के परिजन ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ICSE के ही करिकुलम के हिसाब से ही उन्होंने ये किताब स्कूल में लगाई है। नहीं, जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे, उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से अफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई और किस तरह से स्कूल इसको यूज कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की। परिजनों ने जिलाधिकारी से शिकायत के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जांच सौंपी है। शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि किताब में इस पाठ के पीछे का उद्देश्य क्या है, इस मामले में विस्तृत जानकारी के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी इसकी विस्तृत रिपोर्ट विभाग को देंगे। इसमें एक अभिभावक है, उन्होंने एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिकायत किया है कि उस जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कुछ बातें उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी और अनपेक्षित रूप से उनको पसंद नहीं आई है, तो उसमें उन्होंने शिकायत किया है। उसमें हमने जांच करने के लिए कहा है कि सारे पक्षों को सुन लें और जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी देख लें, उसके बाद जब रिपोर्ट देंगे तो फिर आगे कार्रवाई हम करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया और क्या प्रकरण है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं इस मामले से परिजनों के अलावा हिंदू संगठन ने भी आपत्ति जताई है और किताब पब्लिशिंग कंपनी और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।